तो नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल MMC पर स्वागत है। और आज हम यूनिट 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम चैप्टर 1 जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में भी मार्क किया हुआ है। नीट में अक्सर इंट्रोस से भी पूछा जा सकता है और आप समझ लेंगे कि नीट में आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। 70-80% ऑफ क्वेश्चंस NCERT से ही पूछे जाते हैं और ये बायोलॉजी जो है ये 50% ऑफ सिलेबस, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और नेक्स्ट है, यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने मार्क किया हुआ है, प्लीज़ इसे मार्क कर लीजिए। ये फुल पैरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये पंचानन महेश्वरी जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं, ये टेस्ट फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के लिए ये फेमस हैं। और तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, और आपके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। और चलो दोस्तों, अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम 1.1 जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि नो इंडिविजुअलिज्म मॉडल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, इसी हिसाब से यहाँ पे ये दिया गया है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को इमोर्टल कहा जाता है। यहाँ पे उसी बेसिस उसे एक्सेप्शन दिया गया है। और ये जो डायग्राम्स हैं आप इन्हें रेफर कर लीजिए बाद में। और यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख रहे हैं, ये बहुत ही आसान है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। और नीचे सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया, आप इन सभी को मार्क कर लीजिए। ये जैसे ऐसे ही पूछे जाते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही सेंटेंस आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिलते हैं, तो आप इन्हें पढ़ना मत भूलिए, आप इन्हें रिवाइज करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। और नेक्स्ट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे इनके प्रोजेनिस को क्लोन्स के मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया गया है, ये बडिंग इन ईस्ट और बाइनरी फ्यूजन अमीबा, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आते हैं हम, आप ये डायग्राम ठीक तरह से देख लीजिए। यहाँ पे मोनोन्स एंड प्रोटीज और तो सेल डिवाइड्स इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, ये पॉइंट मैंने जो हाईलाइट किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। इन प्रोटीज एंड मोनोरॉन्स जो है, इनमें सेल डिवीजन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इन मोनोरॉन्स एंड प्रोटीज सेल डिवीजन इट सेल्फ इज ए टाइप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन,
मैंने यहाँ पे येलो मार्कस से मार्कस ऐसे ही पॉइंट्स को रिवाइज करना है आपको, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ऐसे ही पॉइंट पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें रिवाइज करना मत भूलिए। यहाँ पे पहले रिफ्यूजन के एग्जांपल दिया गया है और बडिंग जो कि स्टैंड हाइड्रा में होता है, और नीचे जो है इन फंगाई एंड एल्गी रिप्रोड्यूस टू स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे कि ज़ूस्पोर्स मोस्ट कॉमन है, जो कि माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं, और कोनिडिया इन पेंसिलियम बट्स इन हाइड्रा और जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज, ये सब एग्जांपल्स आपको पढ़ना है, और ये डायग्राम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीट में एक या दो बिट्स डायग्राम पे पूछे जाते हैं, तो आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि 4 मार्क्स आपको रैंक पर भारी पड़ सकता है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है हर एक पॉइंट, आपको इन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज करना है, और आपके सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा डायग्राम्स पे, एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा और रीजन पे भी वीडियोस बनाऊंगा। और नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर। यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है रिडक्शन के नीचे क्यों दिया गया है, इसका रीज़न मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के नीचे इसीलिए लिया गया है, क्योंकि इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो है इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पर मैंने वाटर हाइसिंथ के बारे में पॉइंट्स रखा है, जो कि उसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए इंडिया को लैग इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड किया और बहुत ही हार्म किया फिशेस को। और नेक्स्ट आता है और ये पॉइंट कि प्लांटलेट्स जो है वो हमेशा नोड्स से प्रोड्यूस होते हैं, आपको ये याद रखना है। और नेक्स्ट आता है ब्रायोफिलम के एग्जांपल देख लीजिए, जो कि नॉचेस ऑफ लीफ मार्जिन्स में जाता है। और नेक्स्ट है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये पॉइंट याद रखना है। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।